तो बाहर निकाल ले, नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे। इनको पावर का इतना शौक है, इतने पागल हो चुके हैं पावर में कि ये अपनी धरती से भी वफा करने के लिए तैयार नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब पता लगना चाहिए इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने। 30 साल तो ये उसी एस्टेब्लिशमेंट का साथ रहे हैं। छांगा मांगा का गेम इनसे शुरू होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जासमीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। बड़ी खबर से आगाज करेंगे नाज़रीन। इत्तला आ रही है कि क्वेटा चमन हाउसिंग स्कीम के करीब FC मददगार सेंटर है और सेंटर पर हमला हुआ। पहले दो धमाकों की इत्तला आई, उसके बाद ये पता चला कि पुलिस के मुताबिक 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई। ये जाहिर सी बात है कि नौयत के धमाके थे, कितने लोग जख्मी हुए हैं या खुदा ना खास्ता यहाँ कोई शहादतें हुई हैं इसका अभी तक कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं आ रही। अलबत्त सरफराज मुफ्ती साहब ने बताया है कि हमले के बाद फायरिंग के तबादला हो रहा है और पाक फौज के दस्ते भी यहां पहुंच गए हैं। अगर पाक फौज के दस्ते पहुंचे हैं और FC का मददगार सेंटर है, इसके अंदर कितने लोग होंगे, कितने FC के अहलकार हो सकते हैं, इस हवाले से अब तक कोई वाज़े इत्तला नहीं आई और जैसे ही इत्तला आती हैं हम आपको बताएंगे। सरफराज मुफ्ती साहब ने अलबत्त ये बताया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जिसमें के एक कर्नल शहीद हुए, ये उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने लश्करे झंगवी के बलूचिस्तान के सरबरा समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग के तबादले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक कर्नल सुहेल आबिद शहीद हुए जबकि 4 जवान जख्मी हुए। आज इनकी नमाज जनाजा में तमाम आला अफसरान जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी शामिल थे अदा कर दी गई। इस वक्त ये हालात हुए और दिन में ये आज पहला रोजा है रमजानुल मुबारक का महीना, आज पहले रोजे में ये शुरू हुआ है हालात। मुल्क के इस वक्त जो दहशतगर्दी की एक लहर बिल्कुल थम चुकी थी वो दोबारा देखने में आई। नौशहरा में फोर्सेस की गाड़ी पर आज खुदकुश हमला हुआ जिसमें 14 अफराद जख्मी हुए। कचहरी चौक के करीब फोर्सेस की गाड़ियां खड़ी थी जिसमें बड़ा धमाका था। कोई शहादत अब तक नहीं हुई लेकिन जख्मी बड़ी तादाद पे हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सब से हुकूमत वक्त का और पॉलिटिकल पार्टीज का और उनके सरबराहान का क्या लेना देना। आखिर ये सब वो लोग हैं जो अपनी जाने दे रहे हैं किसी न किसी वजह से और बेगुना लोग इसमें शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की लपेट में है लेकिन ये बात कौन समझाए उन लोगों को जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और मुल्क में ऐसा तसादम पैदा करना चाहते हैं इदारों के दरमियान जो खुदा ना खास्ता नतीजा बुरा होगा। शहबाज शरीफ ने अलबत्ता आज कुछ अपनी जो बातें की वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अपना इजलास भी उन्होंने किया, उसके अंदर की तफसीलात क्या हैं और अगर FC मददगार सेंटर के हमले से कोई और तफसीलात आती हैं वो भी आपको बताते हैं। 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हमें ज्वाइन किया है इमरान इस्माइल साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं आप तहरीक इंसाफ के, आबिद राव साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, शौकत बसरा साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस वक्त जो इत्तलात हैं वो FC के मददगार सेंटर पे जो हमला हुआ था 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, एक ने अपने आप को खुद उड़ाया और 2 को रिटेलिएटरी फायर में हलाक कर दिया गया। ये अब तक की आने वाली इत्तलात है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब।
आज का पहला जो रमजान अल मुबारक का दिन था वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं गुजरा। कल रात से अब तक जो इत्तलात आई नौशहरा में इस वक्त मददगार सेंटर में, ये सीरियस कंसर्न्स हैं हमारे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर उनको पता चलता है, दुश्मनों को, कि विद इन पोलिटिकली और विद इन पोलिटिकल और सेटअप और इदारों में इतना तसादम है, सिर्फ अपनी जात की जंग लड़ी हुई है, तो दे हैव एन ओपन प्लेटफॉर्म टू हिट ऑन सॉफ्ट टारगेट्स। दैट्स वेरी ट्रू। मैं आपको सन 58 में ले जाता हूँ, जब अयूब खान ने एब्डो लगाया था। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग वाला एक आम कारकुन जो राइज करता था पार्टी में, वो ख़त्म हो गया सिलसिला। उसके बाद ये पर्सनैलिटी कल्ट ओरिएंटेड जो है ना, ये पॉलिटिक्स आपके यहाँ स्टार्ट हुई है, जिसमें हर दौर में एक नई मुस्लिम लीग बनी, उसने खुद एक बनाई काउंसिल मुस्लिम लीग, फिर एक भुट्टो साहब ने इसको विद स्ट्रो का पेन ख़त्म कर दिया, दौलताना को बना के सफ़ीर इंग्लैंड भेज दिया, वो पार्टी ख़त्म हो गई। खान अब्दुल कयूम खान को होम मिनिस्टर बना दिया, वो ख़त्म हो गई। तीसरी पार्टी खुद ब खुद जान नहीं होती मुस्लिम लीग में कभी। फिर ज़ियाउल हक ने इसको दोबारा खड़ा किया और गैर वो जमाती इंतखाब करके कहा कि नाउ यू आर मुस्लिम लीग, और जुनेजो को नॉमिनेट कर दिया, खुद ही उसको ख़त्म कर दिया। उसमें से उस गमले में जो नवाज शरीफ साहब उगे, वो बादशाह हैं, इनमें जमहूरियत नामी कोई चीज़ नहीं है। तीन दौर में इन्होंने कहा, मैं ब्रीफली आपको ये बताऊँगा, ये आज जो जो बातें कर रहे हैं ना कि मुल्क में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, पानी का पानी ये करना चाह रहे हैं, इनसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इन चार साल में इन्होंने क्या किया? कहते हैं हमने अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में यही तो किया था जिसको आपने डॉन बना दिया। इन्होंने चार साल फॉरेन मिनिस्टर ने अपॉइंट किया, उसका नतीजा ये हुआ, बिकॉज फॉरेन मिनिस्ट्री इज वन, आप रेलवे मिनिस्टर ना लगाए ना रेलवे चलती रहेगी, फॉरेन मिनिस्टर ना लगाए, एवरी डे दुनिया में कुछ हो रहा है जिसमें आपका एक स्टांस लेना जरूरी है, आपने वो नहीं लिया। इंडिया उसमें इतनी लीड ले गया, उसने दुनिया में जहां जाके आपसे कहा कि ये टेररिस्ट हैं, ये हैं, ये वो हैं। नवाज शरीफ ने ना तो प्राइम मिनिस्टर बन के उसकी कंडेमनेशन की, ना इनकी गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना उसको काउंटर किया। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि ये पर्सनल लेवल पे सारा कुछ इनका आता है, ये तीन बड़े पॉलिटिकल लीडर अब तक रहे हैं जिनकी हुकूमत में कुछ सह रही है। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो यहाँ पे जो आई थी, उनको 97 में जब निकाला लगारी साहब ने, उसके एक महीने बाद शी राइट्स टू दी सेनेटर्स इन यूएसए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड बंद की जाए, तो आप किस पर यकीन करें? अल्ताफ हुसैन जब तक यहाँ पे कराची में पावरफुल रहता है, ही इज फॉर पाकिस्तान, द मोमेंट आप वो विदड्रॉ करते हैं ही वॉज नेवर फॉर पाकिस्तान। तो आपका एक आम आदमी टूडे वो कंफ्यूज है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम किस किस्म के लीडर पैदा कर रहा है, जिनको आप गद्दार कहें तो बुरी बात है कि जी आपने एक प्राइम मिनिस्टर तीन दफा रखा है, आज वो एंटी स्टेट वो दे रहा है। बाकी ये मैं आपको हिटलर की एक पॉलिसी की बताता हूँ, उसने इन्फॉर्मेशन पॉलिसी बनाई थी, उसने कहा आपने जो लिखना है कहें, जो बोलना है रेडियो बोले, टीवी होता नहीं था, लेकिन अगर आपकी किसी भी बात से जर्मनी एम्बेरस हुआ या उस पर बुरा नाम आया, मैं लटका दूं आपको। पाकिस्तान इज बीइंग एम्बेरस्ड एवरी डे। इमरान, इस वक्त आप देख रहे हैं क्या हालात है, मैं मतलब टुडे हैज बीन सिंस यस्टरडे, आज का दिन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के हवाले से एक बुरा दिन रहा है, और हम इस चीज से गुजर चुके हैं, आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, हम इस चीज को दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। धोखे कल रात को एक बड़ी अचीवमेंट थी रद्दुल फसाद के इस ऑपरेशन की, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इट्स नॉट ओवर, हमें यह बात समझ क्यों नहीं आती कि इस चीज पे हमें खुद बैठकर बहुत सारी पॉलिसीज बनानी है। अगर हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ना शुरू हो जाए, वेयर डू वी स्टैंड? शुक्रिया जैस्मीन, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े टिपिंग पॉइंट पे है। मैं नहीं कहूंगा कि नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि वो तो हम जब से पैदा हुए हैं जब से ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान में दो चीजें हमेशा खतरे में रहती हैं, अगर आपने किसी मुल्ला से सवाल कर लिया तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, और अगर आपने पाकिस्तान के बारे में बात कर ली तो पाकिस्तान एक नाजुक दुराए से गुजर रहा होता है, और उसको आप चैलेंज बात नहीं कर सकते उस बारे में। तो ये हमेशा से हम सुनते हैं, ऐसा कोई नाजुक नहीं, लेकिन टिपिंग पॉइंट इसलिए है कि अगर आप देखें पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है, इसमें जो नैरेटिव इंडिया या इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ बेचता है, उसी को अल्ताफ हुसैन इंडोर्स करते हैं, उसी को मंजूर पश्तीन इंडोर्स करते हैं, और अब नवाज शरीफ भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये क्या ये कोई एक सोची समझी साजिश है जिसके लिए पाकिस्तान को नीचे ले जाया जा रहा है? कोई इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, कोई दोस्तियां निभा रहा है, लेकिन किस कॉस्ट पे?
पाकिस्तान को बर्बाद करने की कॉस्ट पे। नवाज शरीफ को यूनाइटेड नेशन के इजलास में ये याद नहीं रहता कि उनके मुल्क के अंदर एक इंडियन जासूस पकड़ा गया है जिसका टेररिस्ट नेटवर्क इस पर डिटेक्ट हुआ है, जिसने कबूल किया है और बता रहा है नाम के कौन कौन है। उसका जाने से पहले DGISI ने अपने हाथ से उनके हाथ में एक डॉसियर दिया है कि इसको प्लीज एंडोर्स करके आइएगा, और वो वहां भूल जाते हैं उस बात को कन्वीनियंटली उनके जहन से स्लिप हो जाता है। उनको कुलभूषण यादव का नाम ही नहीं याद रहता, वो भूल जाते हैं। लेकिन उनको ये जरूर याद है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, और इंडिया के उस नैरेटिव को जो वो कश्मीर को दुनिया को बताता है कि कश्मीर में पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है और ये सारी लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है, इसमें लोकल कश्मीरीज नहीं है और हमारी रिटेलिएशन उनके खिलाफ है, उसको तकवीयत मिलती है। और इंडिया अब नाच रहा है, शादियाने बजा रहा है कि 3 times पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हैज एंडोर्स्ड इट, एंड ही हैज यूज्ड द वर्ड वी हैव स्पॉन्सर्ड, we have been sponsoring terrorism. Nahi, why do we allow them to cross the border? If that was the case and he was prime minister of Pakistan and he knew it all along, he should have hanged all those people jo Pakistan se bahar terrorism sponsor kar rahe hain. Aur agar Nawaz agar kar rahe hain, Nawaz naming the establishment of Pakistan, who ko hang kar sakta hai? Kisko nahi kar sakte hai, ye jhoot bolte hain jo establishment ka naam le rahe hain, iske usko hamare saath khada hona hai ya humne unke saath khada hona hai shoulder to shoulder, उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा होना हमने। वो इंडियन या रॉ आर्मी नहीं है, वो पाकिस्तान की आर्मी है, वो एजेंसीज पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, और हम उसी को ब्लेम करना शुरू कर दें कि जी आपने हमारे प्यारे हिंदुस्तान में ये काम कर दिया तो लिहाजा आप टेररिस्ट हो गए और वो हमारे सज्जन हो गए आज से। ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये निकाय कब हुआ, ये मोहब्बतें कब बढ़ी, तो हमें पता ही नहीं चला। हमें तो ये पता है कि इंडिया कश्मीर में टेररिज्म करता है, इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करता है, इंडिया बकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले करवाता है, इंडिया दुनिया में अगर किसी चीज से डरता है, इस खत्ते में इंडिया को सुपर पावर बनने से किसी से खतरा है तो पाकिस्तान आर्मी से। देखें, मैं अगर इस पर मैं आपसे मजाक के अलावा बात कर रहा हूँ, अनाव कोई मेरी इस वक्त वो हेट्रेड भी नहीं है उससे, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त आप न्यूट्रलाइज कर दें या हटा देना सीन पे से, तो पाकिस्तान को कोई कबात नहीं है इस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर। देखिए फॉल्ट लाइन जो है ना शौकत बसरा साहब, फॉल्ट लाइन जो है वो हमेशा से, क्योंकि मैंने देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी, बहुत सारे इंसिडेंसेस मुझे याद है, मतलब आई डोंट वांट टू गो बैक टू देम, क्योंकि हमारे इस वक्त प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली कुछ और है, लेकिन हुकूमत से चले जाने के बाद समझ में आती है। आपके दौर में मेमो गेट हुआ, जब ये मुंबई अटैक्स हो रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है एक खबर रिलीज कर दी गई थी कि जी जनरल पाशा जो है वो यू मे बी यू रिमेम्बर ही वाज द DGISI कि वो जी उनको एक्सप्लेनेशन के लिए वहां भेजा जा रहा है। जब पूरे पाकिस्तान में वावेला हो गया तो फिर देन वी रियलाइज कि ये हम आखिर क्या क्या रहे। बहरहाल फॉल्ट लाइन ये है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी पे उस पर सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई बहुत बड़ा इशू है ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और खींचातानी कि वो कुछ और चाहते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, जो नवाज शरीफ अब कह रहे हैं। जैस्मीन, पहले सबसे तो रमजान मुबारक का बबरकत महीना शुरू हो गया है, अल्लाह से दुआ करे पूरी कौम और आज के प्रोग्राम में हम बैठे हैं आपके, कि ये जो पाकिस्तान में परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो टेंशन हैं, अल्लाह पाक इस बबरकत महीने के सदके ये पाकिस्तान को उनसे निकाल दे। और दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब देने से पहले, कर्नल सुहेल शहीद, मैं उसको पूरी कौम की जानिब से सैल्यूट पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो और उसकी मां को और ऐसी माओं को जिन्होंने ये बच्चे पैदा किए जो पाकिस्तान पे कुर्बान हो रहे हैं। और मैं सिर्फ दो शेर उनकी नजर करके आपके सवाल का जवाब देता हूं। मेरी वफा का तकाजा है कि जान निसार करूं, ए वतन तेरी मट्टी से ऐसा प्यार करूं, खून दिल से जो चमन को बहार सौंप गया, ए काश इनमें खुद को शुमार करूं, मेरी दुआ है सुहेल मैं भी शहीद कहलाऊं, मैं कोई काम कभी ऐसा यादगार करूं। ये मैं इसलिए जरूरी तौर पर समझता था कि ये अफवाज पाकिस्तान जिनके बच्चे पाकिस्तान पे कुर्बान हो रहे हैं, वो भी मेरे हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, सिविलियन बहुत सारे शहीद हो चुके, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 3 times का प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि आज मोदी से हमें खतरा नहीं है, भारत के मोदी से, जो हमारे अंदर के मोदी हैं,
नवाज शरीफ मोदी से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, हमें इनसे खतरा है। आप कहती हैं माजी में, हाँ माजी में एक रोल रहा जैस्मीन, माजी में जो एजेंसियां थी, आप जिया को उठाकर देख लें, आप मुशरफ को उठाकर देख लें, याया खान को उठाकर देख लें, इन लोगों ने मुदाखलतें की। ये जो असगर खान वाला केस लगा हुआ है, क्या हुआ, आईजीआई बनाई गई? और इसी नवाज शरीफ ने जो आज बड़ा नजरियाती बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पैसे लिए, ये जावेद हाशमी, ये नवाज शरीफ, सब ने उनसे पैसे लिए। और नवाज शरीफ ने तो उसामा बिन लादन तक को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी एक रेफरेंस दे रहा था, ये बात हुई, हमने जाने, हमने शहादतें ली हैं, हम फांसियों पर लटक गए हैं, लेकिन कभी एंटी स्टेट बात नहीं की, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। नवाज शरीफ पहली दफा 40 साल में इसकी लूटमार पकड़ी गई, इसकी कत्लोकारत पकड़ी गई, ये माफिया सामने आया, तो पहली दफा जब सिस्टम इसके हाथ के काबू नहीं आया, जब फौज इसके काबू नहीं आई, जब अदलिया इसके काबू नहीं आई, इसने क्या किया, पहले अदलिया पे हमला किया, फिर फौज पे हमला किया, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। आपने मेमोगेट का रेफरेंस दिया, मैं कहता हूं निकालें, कहां है मेमोगेट जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रामा किया गया। हां लेके आए मेमोगेट सामने कि पीपल्स पार्टी का उसमें क्या कसूर था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से बात कहूंगा, नवाज शरीफ को सब कुछ याद है, नवाज शरीफ को यह याद नहीं है कि हमारे 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं, नवाज शरीफ को यह याद नहीं है कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी में कितना नुकसान हुआ है। हां उसको याद है कि मेरी लूटमार पकड़ी जा रही है, मेरा इख्तदार जा रहा है, मेरा खानदान पैसे वापस करने पड़े, लूटे हैं। इसलिए हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए और लाइन डिवाइड होनी चाहिए कि पाकिस्तान जिसके लिए मैं और आप हैं, ये नवाज शरीफ या किसी और मुल्क में होते ना हम लोग, हम काउंसलर ना बनते वहां से, ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर तो अलग बात है, 5 दफा वजारत आला तो अलग बात है। इसलिए बड़ा क्लियर बात है कि नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरा इसलिए बने हुए हैं तो हम कहते थे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। मुझे बताइए जैस्मीन, नवाज शरीफ कौन है जो कहता था भारत और पाकिस्तान एक ही है, दरमियान में एक लकीर है, खत्म कर दें, खाना पीना वही, कल्चर वही, तहजीब वही, वही नवाज शरीफ है। आज तो हैरान लोग इस तरह हो रहे हैं जैसे पहली दफा इसका चेहरा सामने आया है। कारगिल की जीती हुई जंग इसने हार दी, गुलभूषण यादव जासूस पकड़ा गया उसके खिलाफ कोई बात नहीं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये सुल्तानी गवाह बना हुआ है। और मुझे बताइए कि जब ये गुलभूषण पकड़ा जाता है पूरी कौम सरापा एहतजाज है, और ये शख्स सजन जंडाल कभी जाके पहाड़ियों में मिल रहा है, कभी इनके साथ मुलाकातें हो रही है मोदी के साथ। अच्छा एक बात बताइए शौकत बसवा साहब, आज की डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ का इंटरव्यू जिसने भी करवाया, सबसे बड़ा दुश्मन है शहबाज शरीफ, पार्लियामानी इजलास की सदारत की, सुन लीजिएगा जरा, 100 से ज्यादा अरकीन ने शरीक हुए, उन्होंने शदीद रद्द अमल अपना इजहार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस चीज की ना दिफा कर सकते हैं, इलेक्शंस में उन्हें बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा दो मामलात ने इस हुकूमत को शदीद नुकसान पहुंचाया, पहले डॉन लीक्स, उसके बाद खत्म नबूवत का मामला, और अब ये मामला। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को समझाने की भी, अरकीन ने कहा है कि आप समझाएं, कोशिश करें। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अब शायद रास्ता अलग करेंगे, जुदा करेंगे पॉलिसी? नो जैस्मीन, जैस्मीन ये बहुत बड़ा टोपी ड्रामा है, ये दोनों बड़े भाई बहुत बड़े ड्रामा हैं। आप 40 साल की इनकी सियासत उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलता है, ये वो शख्स है, अभी ले लेना आप जरा हामिद मीर साहब को लाइन पे लें, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा यार से 10 दिन पहले कि ये 18 दफा कोशिश कर चुके हैं पांव में पड़ने की, डील करने की, हमसे डील कर ले एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बात यह है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आज पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के बाद सनाउल्ला ने जो ब्रीफिंग दी, राणा सनाउल्ला जो वजीर दहशतगर्दी है जी, उसने क्या कहा है, उसने कहा हम खलाई मखलूक से लड़ेंगे, हम खलाई मखलूक का सामना करें। ओ भाई ज़ियाई मखलूक की तुम औलाद हो, वो ज़ियाई मखलूक जिसकी कब्र पे खड़े होकर कहते थे कि हम ज़िया के मिशन को पूरा करेंगे और तुम ज़िया की रूहानी औलाद होने पे फख्र महसूस करते थे, शहबाज शरीफ ने पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में एक और बात कही है। क्या? उसने कहा है कि नवाज शरीफ ने धमाके किए, अरबों रुपया लेने से इनकार कर दिया अमरीका को, उससे बड़ा मुहिब्बे वतन कौन हो सकता है? अब इनको नहीं पता डॉन लीक्स किसने किया? अच्छा ये एक तरफ बयान दे रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ नहीं पता किसने इंटरव्यू करवाया? अब असल में हो ये रहा है, किसने करवाया वैसे शौकत बसवा साहब, किसने करवाया इंटरव्यू? उन्होंने कहा वो सबसे बड़ा दुश्मन है, किसको किसको कह रहे थे वो? फिर वही कह रहे, ये दोनों भाई बहुत बड़े ड्रामाबाज हैं, छोड़ के इस बात को, मैं नहीं छोड़ना नहीं चाहती ना, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में ये हम बात करें, आपके ख्याल में ये इंटरव्यू किसने करवाया, किसने नवाज, कौन है सारी कैंपेन डॉन लीक से लेके अब तक
نواز شریف صاحب کے پیچھے کون ہے جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انقلابی لیڈر بن جائیں، اب لڑ جائیں ایک ہی دفعہ؟ مریم اسکول، نواز شریف اور شہباز شریف دونوں، اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے ہے مودی اور ٹرمپ، ان کے پیچھے ہے سی آئی اے، آج جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے، دیکھیں وہ دشمن بھی ان کے گھر میں ہی ہے، صاحبزادی ہیں جو ان کو سارا وہ گائیڈ کر رہی ہیں مریم کے خلاف، مریم اسکوائر۔ اچھا دیکھیے، انٹرویو کروانے والا دشمن ہے، الزام اس کو دینا جس نے یہ ساری سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو بولا ہے ایز اے پرائم منسٹر فرام اے پوزیشن آف نالج، پوزیشن آف اتھارٹی، جن کے پیچھے اتنا وہ ہے، اگر یہ اتنے نالہ ہیں، مطلب کارگل کا یہ عام محفلوں میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں 4 سال میں انکوائری کی، کیوں پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کیا انہوں نے؟ یہ پاور ہنگری لوگ ہیں، ان کو پاور چاہیے، پاور میں یہ نہیں ہے تو ملک کی ایسی تیسی، دس از دا بگیسٹ پرابلم ود آل دیز پارٹیز، آئی ایم افریڈ یہ ان سب پارٹیز کا ہے۔ آج زرداری صاحب نے بھی کہا کہ یہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو لانچ کر دیا، از اے فٹ ٹو لیڈ دس نیشن؟ مطلب قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ امیچور ایک بچہ ہے، اس کے سامنے سینئر سٹیزن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم اس ملک میں نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، یہ جب تک ان پارٹیوں میں نہیں ہوگی اس ملک میں نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور جمہوریت کو فوج نے ڈیریل کیا ہے، خلا میں تو فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ اس ملک میں اگر فارن پالیسی پہ نہیں ہوگا، ڈیفنس پالیسی پہ نہیں ہوگا، تو سمبڈی ول ٹیک اے ڈیسیجن، بیکاز سچویشن روز بدل رہی ہے۔ تیسری چیز، پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی جو ابھی تک آزمائی نہیں گئی، ان کو خیال رکھنا چاہیے، جو جوک در جوک لوگ اس میں آ رہے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، ان کا تعلق صرف اقتدار سے ہوتا ہے، جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے وہ سارے اس میں جا کے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان شوڈ بی ویری کیئرفل، کوئی فلٹرنگ اس پہ رکھے کہ یہ کیریکٹر لیس لوگ رہے اس پارٹی میں ہیں جو بدنامی ساتھ لاتے ہیں، تو دیر فور پولیٹیکل کلچر تو ان پارٹیز نے تباہ کیا ہے خود۔ سب پہ کرپشن کا الزام ہے، اربوں ڈالرز کا، یہ نہیں کہتے میں نے نہیں کیا، یہ کہتے ہیں اس نے بھی کیا ہے، یہ ان کے کیس ہیں، ان کے منسٹرز اندر ہیں، حج سکینڈل ہوا، شرجیل میمن اندر ہے، ڈاکٹر آصف کا ہوا، زرداری صاحب خود اس میں اندر ہے، اور یہ نواز شریف پہ وہ ہے۔ سو دیئر فور پولیٹیکل کلچر آپ کا ہے نہیں۔ مجھے ایک منٹ دیجئے گا جی، تو آپ ضرور بولیے گا، میں ایز اے پاکستانی آئی وانٹ ٹو نو، آپ کی مذہبی جماعتیں لے لیں، اگر 50 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، سب نے شریعت لاگو کر دی ہے، ہمارے ایسا ان پڑھ آدمی کون سی شریعت کو ووٹ دے گا؟ سو یہ نظریاتی ورڈ ہمارے ملک میں نہیں پیدا ہوا، کوئی پارٹی نظریاتی نہیں ہے ان میں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے تھے یہ منڈیلا بنے گا نواز شریف، ان سے آدھوں کو تو یہ نہیں پتا منڈیلا کس ملک کو ریپرزینٹ کرتا، اس کی تحریک کیا تھی، وہ ضمیر کا قیدی تھا، ان کی طرح چوری نہیں کر کے اندر ہوا تھا وہ۔ انہوں نے اتنی انکوائریز کی بات کی، پیپلز پارٹی کے دور میمو گیٹ ہوا، حسین اکانی جیسا انہوں نے اینٹی پاکستان آدمی وہاں ایمبیسڈر بنایا، یہ سارا آپ کا وہ یہاں پہ جو 7,500 ویزے بغیر سکرٹنی کے رحمان ملک نے دلوائے، رحمان ملک نے، یہ مجرم ہے اس قوم کے۔ سر ایک بریک لینا چاہیے، بریک کے بعد عمران پلیز ڈو کمنٹ آن دس۔ ویلکم بیک۔ کوئٹہ چمن کی ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے اپڈیٹ ہے، ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایکسپلوسیو گاڑی تھی ان کے پاس اور ایمیونیشن تھا اس کے اندر، وہ گھسنا چاہ رہے تھے ایف سی کے اس مددگار سینٹر میں، 5 سوئسائڈ بامبرز تھے، شکلوں سے ابھی تک یہ بتایا گیا ہے 5 مارے گئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ افغانی ہیں، اور یہ جو کل رات کو آپریشن ہوا ہے اس کے ایکسچینج میں 4 ایف سی کے جو سولجرز ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ عمران یہ ہے سچویشن کرنٹلی جو ملک میں جا رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی ڈو ناٹ ریئلائز دس، ہمیں اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے، اور اس کی واضح شاید وجہ ایک یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ جب ضرب عزم شروع ہوا اور اس کی جو کامیابیاں ہم نے دیکھی، تو ہم جو وہ برا وقت تھا نا جب ایک دن میں دو مساجد میں، بازاروں میں 200 لوگ شہید، 400 لوگ شہید، 150 لوگ، یہ دس واز آور ریالٹی، میں آئی کوڈ ٹیک آؤٹ دا فوٹیج، وہ شاید ہم خدا نخواستہ امیج سے جاتا جا رہا ہے، وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بڑا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ ویری انفارچونیٹ کہ جس وقت ہماری آرمی ایک محاذ پہ ہے ود ان دا کنٹری، ایک بہت بڑے جنگ پہ ہے،
और एक तो आपको पता था ना कि आपका एनिमी है कौन, आप उसके साथ लड़ रहे हैं, एक आपको मालूम नहीं है कि आपका एनिमी कौन है, कौन आके बम फाड़ देगा, कौन जैकेट खींच लेगा, तो वो आपको मालूम नहीं है, उस अननोन या अनदेखे उसके साथ आप एक जंग लड़ रहे हैं जो कि बड़ी जानलेवा और असाब शिकन जंग होती है जो वो लड़ रहे हैं। इस वक्त अगर कौम उनके साथ या उनके पीछे ना खड़ी हो तो ये कोई दुनिया की आर्मी जंग नहीं जीत सकती जब तक उसकी अपनी नेशन उसके साथ ना खड़ी हो। और नेशन को अगर हुक्मरान डिवाइड कर रहे हो तो फिर आप देख सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। और नेशन नेशन का जो जो हाकिम वक्त होता है उसका ये फर्ज होता है कि वो नेशन को सही बात बताए और बताए कि ये पाकिस्तान आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। जैसे हम छोटे छोटे थे जब जंग हुई, पाकिस्तान ने वो जंग डिफेंड किया, इंडिया वॉन्टेड टू वॉक इन, तो हम बहुत छोटे छोटे थे लेकिन हमें सारी वो स्टोरीज बताई जाती नहीं कि जी इस तरह से हुआ, यूं जंग लड़ी गई, ऐसे हुआ, ये शहादतें हुई, उन शहीदों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो हम जब मैं ग्रेट फिफ्थ सिक्स की बात कर रहा हूँ, इतना इमेज था आर्मी का हमारे जहन में कि हम जहां पे भी हमें आर्मी का कोई बंदा नजर आता था ना, वी यूज्ड टू सैल्यूट देम एंड वी यूज्ड टू थिंक यार वी एक दिन बड़े होकर हमें भी ऐसे बनना है जो हम अपने मुल्क को डिफेंड कर पाए। अब जब हम वहां पहुंचेंगे जहां पे हम अपने मुल्क को डिफेंड कर पाए या कुछ उसके अंदर हम मदद कर सकें या उनके साथ ही खड़े हो सकें, तो हम एक बहस हमने छेड़ दी है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। नहीं, नहीं, बड़ी बात किया उन्होंने, कहा मुहिब वतन कौन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो हो जाए ना, फिर इंतजार किसका करें, मुहिब वतन कौन है ये पता लग जाना चाहिए। और ये अगर हमें वो शख्स बताएगा जो चोरी में पकड़ा जा रहा है, जिसको जिसको मालूम है कि उसकी चोरियां पकड़ी गई हैं, आने वाले वक्त में ही इज गोइंग डाउन एज अ थीफ, और वो इसको पूरे नैरेटिव को इस पे चेंज कर रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़ रहा था लिहाजा मेरे खिलाफ ये फैसले आना शुरू हो गए। वो कहता है कि जी जो धरना था इमरान खान का वो इसलिए था कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ना आए, प्रेसिडेंट ना आए पाकिस्तान, और सीपैक साइन ना हो, और उसके पीछे मुहरिकात जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के थे जी, और एजेंसीज नहीं चाहती थी, और उसके नहीं नाम ले रहे थे, आईएसआई के चीफ का नाम ले रहे थे, हाँ, ज़हीर अल इस्लाम की टेपें कहते हैं पकड़ी गई हैं कोई हाँ, करने के पीछे। और उसके बाद कहती थी उसके पीछे जुडिशरी है, तो इसका मतलब है कि एक नवाज शरीफ मुहिब वतन पाकिस्तानी, उसके अलावा पीटीआई पूरी की पूरी एज अ होल, पूरी पाकिस्तान आर्मी एजेंसीज आईएसआई समेत और हमारी जुडिशरी, ये सब पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और एक नवाज शरीफ डटा हुआ है इस वक्त जो चोरी कर रहा है पाकिस्तान में। ये बात ही नहीं हजम होती आपको, ये किस किस्म के लोग हैं जो सिर्फ खुदा की कसम मैं आपसे जज़्मीन कर रहा हूँ, आउट ऑफ ये सारी पॉलिटिक्स को छोड़ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे ये लोग हैं जिसको कहते ना कि अपनी बोटी बचाने के लिए सामने वाले का बकरा गिरा दें। इनका है क्या, इन्होंने कुछ बिलियन डॉलर ही चोरी किए ना पाकिस्तान से, उसी को बचाने की जंग हो रही है ना, उसी को बचाने की उसके लिए पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान के हवाले करने को तैयार हैं, अपनी आर्मी को गंदा करने के लिए तैयार हैं, जुडिशरी को गंदा करने के लिए तैयार हैं। स्ट्राइक डील डील तो ये 17-18 दफा, तो अभी बता रहे थे ना कि आपको वैसे ले लेना चाहिए था उनको, हामिद मीर को लाइन पे 18 दफा उन्होंने क्लेम किया कि जी दे हैव अप्रोच देम फॉर टू स्ट्राइक अ डील एंड देयर इज नो डील ऑफर्ड। उन्होंने बोला कि हमें कोई डील नहीं करनी है। क्या डील कर सकते हैं इस वक्त, केस अदालतों में भाई, उनके बड़ी सारी डीलेंस मुल्क ने देखी है, लेकिन वो डीले इनको ये पता होना चाहिए कि वो डीलें ये जो उस वक्त के हाकिम थे उनसे कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ से अगर डील की थी तो एज आर्मी चीफ नहीं की थी, प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब किससे डील करने जा रहे हैं ये, क्या कहते हैं जाके ये जनरल साहब को कहेंगे कि जी आप हमसे डील कर लें, हमें छोड़ दें, और जनरल साहब फोन कर देंगे चीफ जस्टिस को, साकिब निसार को, कि इनको छोड़ दें, और साकिब निसार साहब अभी वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को डीस्टेबलाइज करने के लिए 2013 से लेके आज तक आपने पहले डील की हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से। अब देखिए ना, आज जो शहबाज शरीफ साहब की जो ये जो मीटिंग हुई है, जराए के मुताबिक अरकीन ने कहा है कि जी हमें कहा जा रहा है कि पीटीआई ज्वाइन करो, और अगर नहीं ज्वाइन की, और जितने जोक तो जोक आपकी पार्टी में अचानक लोग शामिल भी होना शुरू हो गए, जिसके डॉक्टर साहब ने कहा है बिकॉज आपका भी कोई वेटिंग प्रोसेस तो नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो कल तक पीएमएलएन के थे आज वो आपकी पार्टी में जा रहे हैं। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उन्होंने कहा है कि जी उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि नहीं तो तुम्हारे केसेस खुलेंगे। मुझे ऐसा कोई समझ नहीं आता। यहाँ पे भी एमकेएम भी एक क्लेम करती रही है कि जी हमारे लोगों को जबरदस्ती डंडे के जोर पे पीएसपी में भेजा जा रहा है, कहते रहे ना ये, तो वो दुरुस्त था? दुरुस्त था, मुझे नहीं पता, बिल्कुल दुरुस्त था। अगर वो दुरुस्त था तो हो सकता है फिर ये भी सही कह रहे हो, मुझे तो लगा कि यहाँ पे भी ऐसा कोई सीन नहीं था। देखे ये करते क्या है, ये जो वीक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो कमजोर होते हैं, ये जाके खुद सजदा रेज होते हैं वहां पे, ये जाते हैं और जाके कहते हैं जी हमारे बारे में क्या हुक्म है। अब वो हुक्म दे या ना दे, वो बस कहते हैं चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, उस तरफ चल रही है कहानी, क्योंकि वो निगाहों में बात हो गई और वो बस दिल में आया हो गई। ये भी बहुत दफा होता है कि जी खुद
से अप्रोच कर लिया, देयर इज नो पॉलिटिकल ग्रुप, कोई नजरिया नहीं किसी पार्टी का, नजरिया नहीं, आपको लग रहा है ना कि ये किश्ती डूब रही है और किश्ती में चढ़ने के चक्कर में कहते ही है कि हमें उसने कहा, कहते ही है कि हमें उन्होंने कहा, हमें उन्होंने कहा। तो हर आदमी पाकिस्तान में, जस्ट लास्ट, हर आदमी पाकिस्तान में, शौकत साहब एक लास्ट है, हर आदमी जिससे बात करो ना वो कहता है बात हो गई है। यार क्या बात हो गई है भाई, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक, मुझे तो यहाँ से ऑर्डर आया, मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा है और मैं आपके दिल में कह रहा हूँ कि भाईजान मेरे साथ भी बात करो, कोई बात नहीं करता, प्लीज गो अहेड। देखें जैस्मीन, इमरान इस्माइल साहब के लिए एक फिक्रा कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, एम्पायर का इशारा और एम्पायर की उंगली हर तरफ चल रही थी उस वक्त, तो इमरान इस्माइल साहब बड़े खुश और राजी थे, आज उस वक्त पार्लियामेंट भी तोड़ने के इशारे थे, दो साल के लिए केयरटेकर सेटअप भी बना दो, चले अल्लाह करे ये सारी चीजें, अब तो कोई चीज छुप नहीं सकती, सारी चीजें ऊपर होकर सामने आ जाएंगी। अब ऑन अ सीरियस नोट, जो हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ वगैरह वाली, और ये जो ऑल ऑफ सडन एक दो धमाकों की फिर ये आ गया, जो हुआ है अभी एफसी वाला भी, रात कर्नल सुहेल वाला हुआ है, देखें ये बड़ा तल हकीकत है जैस्मीन, चूंकि नवाज शरीफ अपने जो मास्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जिनका हिस्सा है, मोदी का या ट्रंप का, उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं, तो क्या वो उनकी खिदमत नहीं करेंगे? जब भी नवाज शरीफ मुसीबत में आता है, मुझे बताइए आपका बॉर्डर गर्म नहीं होता, क्या एलओसी पे फायरिंग नहीं होती? और बड़ी बिटर बात है ये धमाके कहां से आते हैं, इसको आप जरा एक दिन इसको जरा करेक्शन चलने दे आगे, आपको समझ आ जाएगी कि नवाज शरीफ इस वक्त उनके जो नेचुरल लाइन है, जिनके लिए वो पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये कह दिया कि पाकिस्तान की फौज दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है, डॉन लीक का भी बयान यही था, इसलिए नवाज शरीफ से कुछ चीज तो ना रखे आप। और मुझे बताएं कि अल्ताफ हुसैन और मजूर पश्तीन और ये जो नवाज शरीफ है, इसमें क्या फर्क है? नवाज शरीफ के साथ बाकी भी ले लें, नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, मरियम जान अचक, जो अचकजई है वहां पर बलोचिस्तान, ये कौन लोग हैं? इनके इनमें और अल्ताफ हुसैन में उनमें क्या फर्क है? ये सब एक हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं। और दूसरी बात, मैं राहुल साहब बैठे हैं, इन्होंने दो तीन बातें की, एक बात जवाब दे दूं, कब खबर आई आपको कि ये सारे एक हैं? आपको परसों तक एक मिनट इमरान इस्माइल साहब देता जवाब। अच्छा जी, ये राहुल साहब ने एक बात कही है और जैस्मीन एक बदकिस्मती है पाकिस्तान में, पूरा भुट्टो खानदान, पूरी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पर कुर्बान हो गई, लेकिन यहां पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके सीने में ठंड नहीं पड़ रही। और भाई हम समझते हैं कि करप्शन पाकिस्तान का मसला है और ये बिल्कुल करप्शन के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में तो आज तक एहतसाब ही सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया? उसी बेंच ने कहा यह जुडिशियल मर्डर था, ये ज़ियाई मखलूक की जो औलाद है नवाज शरीफ वगैरह, उनका वो रूहानी बाप था। क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ हो गए? क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देने की कर दी? क्या फाजे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए? अच्छा, इन्होंने रेफरेंस दिया शर्जील मेमन का, डॉक्टर आसिम का, ओ भाई हमने कब कहते हैं उनके केसेस अदालत में है सर, बयान अदालतों से लड़ना शुरू कर दिया, सख्त दिए थे कि तीन साल तक आपको याद है ना, रहना है तीन साल तक, ईंट से ईंट जला देंगे आपकी, हमने हमेशा रहना है, ये बातें तो की हैं आपने, ऐसा नहीं है सर। एक सेकंड दीजिएगा डॉक्टर साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड, आप आगे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इस मुल्क में पहली दहशतगर्द तंजीम आपकी पार्टी ने बनाई अल जुल्फिकार, पाकिस्तान का एफपीआईए का जहाज अगवा किया, उसको वहां ले गए काबुल, काबुल में उसके एडीसी को गोली मार के उसने फेंका, बेनजीर के भाई ने, मुर्तजा भुट्टो ने, फिर वो जहाज को ले गए लीबिया, 450 बंदे यहां से उठवाए, उनको वहां पहुंचाया गया। ये पहली दहशतगर्द तंजीम थी पाकिस्तान की, यही मखलूक आपके अंदर भी आ गई है, बात सुने ना, ये कोई हिस्टोरिकली गलत बात हो तो आप मुझे बताइए। क्या जियाउल हक ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे नहीं लटकाया? गलत किया, उस वक्त तो सही नहीं कह रहा, बड़े चुप आपने, आज रिलेट कर रहे हैं, क्यों नहीं जियाउल हक रिलेट कर रहे हैं, ट्रायल किया, सब झूठ, क्यों नहीं यही खान भुट्टो ने अब्दुल रहमान कमीशन का आप बात सुन लीजिए, हमूद रहमान कमीशन ने एक्शन ना लेने वाले जुल्फकार अली भुट्टो से बात करें ना, इल्जाम ना लगाए, हकायक के साथ बात करें, हकायक है ये, हमूद रहमान कमीशन भुट्टो साहब के दौर में आ गया था, उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, वो उनकी मेहरबानी थी या पॉलिटिकल मिस्टेक थी, ये आप लोग भुट्टो साहब जैसा लीडर इसलिए तो आज पाकिस्तान मिसाइल का शिकार है, ये भुट्टो आप लोग उसको एनालिसिस नहीं करते, आप ना उसकी अच्छाइयां बयान करते हैं ना उसकी बुराइयां बयान करते हैं, आप किससे बात करते हैं? अच्छा, किसने ये जो ज़ियाई मखलूक के पैदावार हैं, जो ज़िया के चेले चपटे थे, जो ज़िया के साथ लटका दिया, आज सब खुश हैं।
देखिए मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, आप बात सुने, आपने कभी भुट्टो साहब का सही एनालिसिस नहीं किया, उसकी खामियां बयान नहीं की। हिस्टोरिकली आपका इस कौम का हक बनता है कि आप बताएं उसमें ये खूबियां थी, ये उसकी अच्छाइयां थी। राहुल साहब अब आपका बस नहीं चल रहा कि भुट्टो साहब के खिलाफ भी हो जाए, क्योंकि ये आपके अंदर मैं देख रहा हूँ ना जई मखलूक वाली बात आपके अंदर जो नजर आ रही है मुझे। क्या चुप कर जाए, अच्छा क्या है आखिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जई मखलूक ये जो ज़ियाउल्लाह की रिजीम थी, ज़ियाउल्लाह की रिजीम में ये आपको अच्छा नवाज़ी वगैरह रूहानी थे, वो उसके साथ हर बंदा कोई ना कोई रूहानी औलाद होता है। मेरी बात सुने, सरकार बनाने का है कि कल तक आप ईंट से ईंट बजा रहे थे, आपने कहा तीन साल तक रहोगे, हमने हमेशा रहना है, और उसके बाद अचानक गायब हो गए सीन से, आप दोबारा आ गए और आप उनके साथ हो गए। बड़ा रेलिवेंट सवाल है, इतने जरूरी एक मिनट देने दो। नहीं जरदारी साहब को नहीं है, भुट्टो साहब, भुट्टो साहब सर इस पे बात करें ना, सर इस पे बात करें, अभी की बात कर लें, अभी की बात करें, भुट्टो साहब किसी दिन डिबेट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात एक सुन लीजिए बेन, भुट्टो साहब की फांसी का इस कौम ने एहसान ये उतारा है कि दो दफा उसकी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। बेनजीर कत्ल का ये हुआ है कि जरदारी जैसे आदमी को जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया, पांच साल हुकूमत करने दी। अब ये कब तक भुट्टो खानदान के एहसान इस कौम पे इतने भारी रहेंगे कि बिलावल को आपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बना के प्रेजेंट कर दिया है? इस कौम के साथ मजाक नहीं आप कर रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? जैस्मीन जैस्मीन मुझे मौका दे दें आप जी प्लीज। देखिए राहुल साहब, मैं आपका प्रॉब्लम मुझे समझ आ रहा है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आप जैसे सो इंटेलेक्चुअल्स को कब्र से वो रूल कर रहा है, और आप लोगों के लिए मुंह बंद करने के लिए काफी है कि उसको आपने तख्ता दाद पर लटका दिया। आज भी उसकी पार्टी कब्र से रूल कर रही है, आज भी उनका नजरिया कब्र से रूल कर रहा है। इलेक्शन में पता चल जाएगा आपको। अगर सुने तो सही, ये रूल जब आप सर राहुल साहब सुने तो सही, ये रूल जब जिंदा में आ जाएगा इनको बड़ी तकलीफ है। बिलावल साहब की आपके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे हैं राहुल साहब, मुझे ये बताइए, मजाक है, लीडर पैदा नहीं होते। देखिए लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। अगर आप उम्र की बात कर रही है, नवाज शरीफ बड़ी बात, छह साल की उम्र है, वो आज तक लीडर नहीं बन सके। मुगल नवाज शरीफ और इमरान खान की उम्र हो गई, लीडर नहीं बन सके। बिलावल साहब वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है। अरे हम तो तरह से भाई का लीडर है, इमरान इमरान ना ना इमरान का बाप लीडर था, इमरान इस अवाम के साथ लीडर बने, और आपके ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी मुझे बताया उन्होंने डॉक्टर साहब ने कि अकबर बादशाह की ताजपोशी छह साल के थे जब हुई थी, उससे दस साल कोई बड़े थे बिलावल जब उनकी ताजपोशी हुई थी, और आप जैसे लोग हाथ बांध के पीछे खड़े हो सकते हैं, मेरे जैसा आदमी इमरान खान के बेटे के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होगा। सुन ले, नहीं होगा। मैं इमरान खान के साथ 25 साल से दोनों पे निकल के उसको लीडर बनता हुआ देखा है, और मैंने मदद की। आपने क्या किया है, बिलावल ने क्या किया है, जान आपने मारी पीपल्स पार्टी में, बिलावल ऊपर से आ गया, उधर मरियम का नवासा पैदा हो गया 2050 में, वो वजीर आजम का कैंडिडेट आज आ गया पीएमएलएन के पास, 2100 का भी दे दो, ये हो जाएगा ना उस पोते का भी बच्चा होगा। इमरान खान के बगैर पार्टी क्या है, तो इमरान खान के बगैर पार्टी क्या है, गुलामों के गुलाम, हैसियत है पार्टी की इमरान खान के बगैर, जमहूरियत थोड़ी है। इमरान के बगैर पार्टी की हैसियत क्या है वो बोल रहे हैं जी, इमरान के बगैर हैसियत है इमरान के बगैर पार्टी की, इमरान के बगैर हमारी पार्टी संभाल लेगा बन रही है, इमरान की हमारी पार्टी को तो फेस करना पड़ा। बात सुने आप, आपकी समझ नहीं आनी है बात, क्योंकि आप सिर्फ गुलामी में मुब्तला है ना, आपको सिर्फ चाहे वो भुट्टो ना हो, जाली भुट्टो, लेकिन उसके पीछे जाना है। वो भुट्टो भी नहीं है, भुट्टो कहाँ से है, भुट्टो भी खत्म हो गया, भुट्टो का खानदान खत्म हो गया, अब तो लाना है, है। अब नाम जो आप रख ले अपना नाम भुट्टो, आत्मा दे, हौसला दे, हिम्मत, हौसला तो आप रखे ना, आपको भुट्टो के बेटे को जब आईना दिखाते हैं तो आप बुरा ना माने इस बात को। ये बात हकीकत है कि बिलावल भुट्टो नहीं है, बिलावल जरदारी है, और आप गुलाम दर गुलाम दर गुलाम आप गुलामी करते चले जा रहे हैं और करते रहे आप, वो आपको यही तो है इस कौम का, खाली वो गुलामी नहीं कर रहे, हम सब गुलामी कर रहे हैं, और गुलामी दर गुलामी दर गुलामी से हमें पता नहीं कब आजादी मिलेगी। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शौकत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।